तो चलो आज बात करते हैं उन स्मार्टफोन्स की जो आने वाले वक्त में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते। साल 2020 में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन अगर कोई था तो वो था सैमसंग गैलेक्सी A51। इतना बिका कि उसने सैमसंग की किस्मत पूरी इंडिया के अंदर बदल के रख दी। और सैमसंग गैलेक्सी A51 का सक्सेसर सैमसंग गैलेक्सी A52 बस आने ही वाला है। तो सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में आपको बताता हूँ, शानदार स्मार्टफोन रहने वाला है। स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के ऊपर ये चल सकता है। 6GB रैम और 128GB रोम का कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस भी गैलेक्सी A51 की प्राइस कैटेगरी मिड रेंज में रहेगा, करीब 20,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत रहेगी। 20-25,000 रुपए के बीच में गैलेक्सी A52 लॉन्च होगा और ये मिड फरवरी या अर्ली मार्च तक ये फोन लॉन्च हो सकता है। तो सैमसंग गैलेक्सी A52 के ऊपर हमारी नजरें बनी हुई हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी लॉन्च होगा गैलेक्सी A52 उसकी अनबॉक्सिंग, लॉन्ग टर्म रिव्यू और सारी खबरें इस चैनल पर लेकर आएंगे। साल 2020 के मोस्ट सक्सेसफुल फोन्स में से एक फोन और था, OnePlus Nord। इसने OnePlus को एक बार फिर से वहां पर फिट कर दिया जहां से OnePlus ने अपनी सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत की थी, वो थी मिड रेंज सेगमेंट। 30,000 रुपए की आसपास के बजट में OnePlus Nord लॉन्च हुआ और रातों रात सक्सेसफुल हो गया। अब OnePlus Nord का अगला खिलाड़ी OnePlus Nord N10 भी आने वाले हफ्तों में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अपने बड़े भाई की तरह ये भी 30,000 रुपए के बजट में होगा, मतलब अगर इसकी एक्सपेक्टेड कीमत माने तो 28-29,000 रुपए के आसपास ये फोन लॉन्च होगा। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो OnePlus Nord N10 90Hz के खूबसूरत डिस्प्ले के साथ होगा, करीब 6.49 इंच का इसका डिस्प्ले होगा। Snapdragon 690 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB रोम की इसके अंदर ताकत दी गई होगी। इसके अलावा जो है 64MP के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ OnePlus Nord N10 आएगा। इसके साथ ही OnePlus Nord का एक और भाई N100 भी आएगा, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बताता हूँ अगला फोन। अब जो मैं अगला फोन बताने वाला हूँ वो बजट सेगमेंट को हिला के रख देने वाला है। इट्स नन अदर देन Realme 8। मार्च फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट वीक में ये फोन लॉन्च होगा। कीमत इसकी 15,000 से कम होगी, 13-14,000 रुपए में भी लॉन्च हो सकता है Realme 8। और ये फोन MediaTek के Helio G95 चिपसेट और 8GB रैम और 128GB रोम के ऊपर होगा। खूबसूरत डिवाइस होगा, दिखने में सुंदर होगा। 5000mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी के साथ आएगा। क्वाड कैमरा सेटअप होगा 64MP का और कीमत कम होगी और दिखने में फोन काफी ज्यादा बेहतरीन, फीचर्स के मामले में काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। Xiaomi Mi 11 Pro वो फोन होगा जो Xiaomi का साल 2021 का फ्लैगशिप डिवाइस होगा। कीमत इसकी करीब 50,000 से ऊपर होगी, 55,000 या 52,000 रुपए भी हो सकती है। और ये आने वाले हफ्तों में Xiaomi ऐलान कर सकता है भारतीय बाजार के लिए Xiaomi Mi 11 Pro। महंगा वाला फोन लेकिन फीचर्स भी इसके काफी तगड़े रहने वाले हैं। Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर, 12GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज, शानदार स्क्रीन, शानदार बैटरी, शानदार परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन और साथ में 108MP का कैमरा भी इसके अंदर दिया गया होगा। 5000mAh की तगड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग वाली भी इसके अंदर दी गई होगी। पर सवाल फिर भी वही होता है, 50,000 रुपए से ऊपर Xiaomi के फोन के ऊपर खर्च करना क्या आप पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। साल 2021 में Realme एक बड़ा क्रांतिकारी फोन लॉन्च करने वाला है, नाम होगा Realme Race Pro। अभी क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा फोन होगा भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला जो 125W की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। जी हाँ, सही सुना, 125W की फास्ट चार्जिंग, मतलब फोन लगाया चार्ज हो गया, ऐसा Realme Race Pro लॉन्च होगा। मिड सेगमेंट में होगा, 30,000 रुपए से के आसपास इसकी कीमत होगी। मेरी उम्मीद यह है 30-32,000 रुपए के आसपास की कीमत होगी। और ये मतलब फरवरी लास्ट वीक, मार्च फर्स्ट वीक में Realme Race Pro
लॉन्च हो सकता है। अब नाम इसका Realme Race Pro रखेंगे या कुछ और नाम रखेंगे वो देखना पड़ेगा, पर Race Pro नाम काफी अच्छा है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी होगी, जैसा मैंने बताया 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। Snapdragon 888 प्रोसेसर, यानी कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर आपको Realme Race Pro के अंदर देखने को मिलेगा, और वो भी 8GB RAM के कॉम्बिनेशन के साथ। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी होगा, लेकिन सबसे इसका मार्की फीचर तो 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग। माय गॉड, Realme Race Pro मतलब जिसे कहा जाए रेसर फोन ही हो। तो Lenovo भी अपनी Legion लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप की सीरीज को अब स्मार्टफोन में लाने वाला है, Lenovo Legion स्मार्टफोन के जरिए। मई 2021 लॉन्चिंग डेट हो सकती है, और एक्सपेक्टेड प्राइस इसका जो है करीब 36-37 हज़ार रुपए का बेस मॉडल होगा, लेकिन फीचर्स बहुत तगड़े होंगे। और सबसे ज्यादा अच्छा फीचर जो मुझे लग रहा है वो है इसका डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले आएगा। अगर प्रोसेसर की बात करें, चिपसेट की बात करें, तो Snapdragon 865 प्लस चिपसेट 8GB RAM के साथ आएगा, 5000 mAh की बैटरी होगी जो 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। Lenovo Legion इंतजार करना पड़ेगा इस स्मार्टफोन का, लेकिन मई में लॉन्च होगा। आने वाले दिनों में Samsung Galaxy F सीरीज के हमें ढेरों फोन्स देखने को मिलेंगे। एक फोन के बारे में बता रहा हूं, Samsung Galaxy F12 मार्च के महीने में लॉन्च हो सकता है, बजट सेगमेंट में होगा, 12-13 हज़ार रुपए इस फोन की कीमत होगी, 6000 mAh की बैटरी होगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, और कीमत 13-14 हज़ार रुपए। तो Galaxy F12 बजट सेगमेंट में अच्छा फोन हो सकता है। Samsung Galaxy A71 के बाद Galaxy A72 की राह तो मतलब नेक्स्ट डे से ही लोग ताक रहे हैं, और शायद 2021 में Galaxy A72 लॉन्च हो जाए। कब लॉन्च होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्च होगा जरूर 2021 में, ये तय है। Snapdragon प्रोसेसर के ऊपर चलेगा, ये अच्छी बात है, 8GB RAM, 128GB ROM, सुपर AMOLED स्क्रीन होगी, खूबसूरत डिजाइन होगी, और ये फोन जब भी लॉन्च होगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप भी होगा, और ये फोन जब भी लॉन्च होगा मतलब धूम मचा सकता है। Redmi Note सीरीज का 5G वाला फोन, Note 9 5G वाला लॉन्च हो सकता है कमिंग वीक्स में, जल्द ही लॉन्च हो सकता है, हो सकता है अभी कुछ आने वाले दिनों में आपको सुनने में मिल जाए Redmi Note 9 5G के बारे में। बढ़िया फोन होगा, शानदार फोन होगा, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलेगा, और मजेदार बात यह है कि MediaTek Dimensity 800 चिपसेट के साथ ही आएगा, 4GB RAM, 64GB ROM के साथ आएगा, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 10-15 हज़ार रुपए के बीच में रहने वाला है, और ये बजट सेगमेंट का फोन उस खास सेगमेंट में काफी अच्छी पैट Redmi Note सीरीज ने जमा के रखी है, और कंज्यूमर इंतजार करते हैं Redmi Note सीरीज के फोन आने का, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी फोन्स होते हैं। तो Redmi Note 9 5G जिस दिन आया, आप बस खबरों में देखिएगा कि इतनी जल्दी बिका या उतनी जल्दी बिका, ठीक है। तो ये थे वो स्मार्टफोन की लिस्ट, वो अपकमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट जो साल 2021 में धूम मचा सकते हैं, मतलब आने वाले दिनों में। अगले महीने फिर से ऐसा ही एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन ये वाले अगर एकदम से फोन खरीदना हो ना, और एकदम से मन मचल रहा हो फोन खरीदने को लेकर, तो ये लिस्ट देख लो एक बार फिर से, वीडियो चाहो तो देख लो, और वो फोन बुक करा देना जैसे ही लॉन्च होता है, मैं बताऊंगा जरूर आपको। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब तो करते ही हो। अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, देखो अगला वीडियो इधर इधर कहीं।